Mario, 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 तू पाप ताप को हरने वाला हरि, आनंद और माधुर्य को भरने वाला हरि। मैं देश विदेश में, अफ्रीका में, लंदन में, दुबई में, हांगकांग में, जहां भी गया और यहां देश में कई लाखों आदमी हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 10-20 आदमी हो, लेकिन मेरे को उन 10-20 आदमियों के बीच भी एक सरदार हाजरा हाजूर मिलता है। अभी यहां भी सरदार होंगे, सरदार हो तो खड़ा हो जाए, एक नहीं कई है। ओ देखो, ए देखो, मैं कोई झूठ बोलिया? ओ मैं कोई कुपट तो लिया प्रा? आलू और सरदार हो दुनिया के कोने कोने में, आलू कम भक्त तो रसोई घर में छुपा रहा है, सरदार बापू दे कॉल हाजरा हजूर मिल देसी। तो जैसे मेरे सत्संग में सरदार हाजरा हजूर मिलते, मैं देखो ऐसे जो भगवान का नाम जपते हो भगवत कृपा भी उनको हाजरा हजूर उनके इर्द गिर्द काम कर दे है। हो सकता है कि सरदार बेचारा किसी जगह पर न भी पहुंच पाए, लेकिन भगवत कृपा तो पहुंचने में देर नहीं कर दी है। और मैं कोई झूठ बोलिया प्राओ? कोई कुपट तो लिया? कोई ना बापू जी, कोई ना हो बापू जी, आप सूक्ष्म बात करते हुए बच्चों जैसा हास्य विनोद करते हैं। अरे भाई, गांधी जी, काका कालेलकर और दूसरे मनीषियों का जीवन देखो कि गला डूब व्यवहार में होते हुए भी वे प्रसन्न रहते थे। दिन में दो दो पांच पांच मिनट करते, एक आध घंटा तो हंसता हुआ चित्त होना चाहिए। आपकी लाखों लाखों नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए कोई साबुन आज तक बना नहीं, उन नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए कोई इंजेक्शन भी नहीं बना जयराम जी की, कोई कैप्सूल भी नहीं बना। उन नाड़ियों की सात्विकता और शुद्धि के लिए कुदरत ने हास्य बनाया है, और वो हास्य जो हंस नहीं सकता है वो तंदुरुस्त भी नहीं रह सकता है, और वो ऊंचा बुद्धिमान भी नहीं हो सकता है। मियाँ दुबले क्यों हो, चेहरा क्यों उतरा है? बोले सारे गांव की फिक्र है। भाईजान, फिक्र फेंक कुएं में, जो होगा देखा जाएगा। तू मौज से रे, मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए।